हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने घर में ही ये शू रैक बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली आपके घर में आप बना सकते हैं और जो भी मटेरियल इसमें यूज़ होने वाला है वो आपको इजीली आपके हार्डवेयर शॉप्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी इस शू रैक को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको 25 सेंटीमीटर के 9 पीस काटने हैं पीवीसी पाइप के। उसके बाद 9 सेंटीमीटर के आपको 12 पीस काटने हैं, 2.5 सेंटीमीटर के 12 पीस और काटने हैं और 1.5 सेंटीमीटर के 12 पीस काटने हैं। इसके अलावा आपको शू रैक बनाने के लिए 4 बेस लगेंगे, तो वो आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको 4 एल शेप्ड माउंट लगेंगे पीवीसी से बने हुए और 30 आपको लगेंगे टी शेप्ड माउंट्स। तो ये सब आपको अपने लोकल हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक आरी लगेगी, एक पेन लगेगा और एक इंच टेप लगेगा जिससे आप सारे मेजरमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी और सारे मेजरमेंट्स आपको वापस दिख जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले आप पीवीसी पाइप लीजिए और उस पर मार्किंग्स लगा लीजिए। जितने भी मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं उस डायमेंशंस की आप मार्किंग लगा लीजिए और उसको आप अपनी आरी से कट कर लीजिए। अब आपको अपने पीवीसी पाइप जो आपने काटे थे 25 सेंटीमीटर वाले, वो आपको लेने हैं और उनके एंड्स पे आपको लगाने हैं टी माउंट्स। यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर वाले जो आपने 3 काटे थे, आपको उसके 3 पेयर्स बनाने हैं टी माउंट्स लगा के, और उन तीनों पेयर्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में आप 2.5 सेंटीमीटर वाले पीवीसी पाइप लगा दीजिए टी माउंट के साथ, ताकि वो दोनों ज्वाइंट हो जाएं। और ऐसा ही आप अपने थर्ड वाले पेयर के साथ भी करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 सेंटीमीटर वाला पीवीसी पाइप लिया और उसको टी माउंट में फिट कर दिया। सेम आपको अपने थर्ड वाले के साथ भी करना है, और इसमें आपने 2.5 सेंटीमीटर वाला लगाया और इसको आप लगा दीजिए। लास्ट में आपको कॉर्नर्स में ऐड करना है 1.5 सेंटीमीटर वाले, ताकि उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा बढ़े ना। तो आप दोनों साइड में 1.5 सेंटीमीटर वाले लगा के उसके ऊपर टी माउंट्स लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने एक साइड पे लगा दिया है, अब दूसरी साइड में मैं एक 1.5 सेंटीमीटर वाला ढूंढ के लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक 1.5 सेंटीमीटर का लेके उसके ऊपर टी माउंट लगा दिया। आपको सेम जो है उसको सेकेंड साइड भी यही चीज़ करनी है। अब जो हमारा बेस है वो बन चुका है, तो ऐसे आपको अराउंड 3 बेस बनाने हैं सेम ऐसे ही। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ी टफ लग रही है या फिर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं, तो आप वो डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में वो डाउट क्लियर कर देंगे। यहाँ पे मेरे 3 बेस जो हैं वो बन चुके हैं। तो आपको जो बेस बनाया था उसके टी माउंट्स के एंड पे आपको लगाने हैं हमारे 9 सेंटीमीटर वाले पीसेस। तो नीचे साइड में और ऊपर साइड में दोनों साइड में आपको लगाने हैं टोटल 4 पीस, 2 राइट एंड में और 2 लेफ्ट एंड में, और उसके ऊपर आपको अपना सेकेंड बेस लगाना है जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ पे सेकंड बेस लगाने के बाद आपको अपना थर्ड बेस लगाना है। इसको आप थोड़ा प्रेस करके उसको फिक्स कर सकते हैं अच्छे से पोजीशन पे, ताकि वो बाद में निकले ना। तो यहाँ पे हमने अपना सेकंड बेस लगा दिया है। अब थर्ड बेस लगाने के लिए हमें एक और 9 सेंटीमीटर का इसके ऊपर पीवीसी पाइप लगाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी थर्ड बेस के ऊपर वो लगा चुका है, तो यहाँ पर अपना थर्ड बेस जो है वो अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर ही।
फाइनली आप जो अपना थर्ड बेस अप्लाई कर दें, इसके बाद आप चाहें तो ग्लू गन से या फिर हॉट ग्लू गन से इसके एजेस को आप मोल्ड कर सकते हैं ताकि ये निकले ना, और आपको फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा।